वेलकम टू इजी बिजी किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सांभर। सांभर बनाने के लिए मुझे चाहिए ये सोखी हुई अरहर की दाल है। ये हमने इसको हाफ आवर से सोख कर लिया था, पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी ड्रेन कर दिया है। और इसके अलावा मुझे चाहिए जीरा, मोटी राई दाना, कड़ी पत्ता, ये मुझे तड़के के लिए चाहिए। और ये आप वेजिटेबल सीजनली कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर लौकी यूज़ कर रही हूँ, ब्रिंजल भी ले सकते हो, टैटो भी ले सकते हो। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हमने कट कर लिए बारीक ग्रीन चिली। इसके अलावा मुझे चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। प्रेशर दिलवाने के लिए मुझे चाहिए वाटर, प्लेन वाटर, सांभर मसाला, हरा धनिया, चॉप्स मैंने बारीक कट कर लिए हैं, कैरेट। सीजनली जैसे मैंने बताया आपको कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉलीफ्लावर, इसको भी मैंने अच्छे से बारीक से कट कर लिया है। और ये ले लिया हमने इमली का पल्प। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्रेशर कुकर में ऑलरेडी दाल भिगो के रखती थी, इसी में वॉश कर लिया है। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे लौकी एंड ग्रीन चिली। चलिए हमने ऐड कर दिया, साथ ही ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, हल्का सा पानी और गैस पे रख के फ्लेम हमने ऑन कर दी है। इसको हमने गैस पे रख दिया, एक सीटी दिलवाएंगे। देखिए हमारी ये एक विसल आने तक की इसको हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और रेस्ट के लिए रख देंगे। चलिए ये हमारा विसल बिल्कुल निकल चुकी है। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारी गली है या नहीं। गल तो वो एक ही विसल में जाती हैं जी। ये हमारी बिल्कुल अच्छे से दाल भी पक चुकी है, कुक हो गई है, और लौकी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसको हम लोग हल्का सा मिक्सचर से मिक्स करेंगे, हैंड मिक्सर से मिक्स करेंगे। ये हमारा हो रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। फ्लेम ऑन करते हैं। और ये हमारा सांभर अभी बिल्कुल थिक है, मुझे अभी थोड़ा हल्का सा इसको पतला करना है। हमने हल्का सा में पानी डाल दिया, बस मुझे इतना ही चाहिए। ऐड कर दिया और इसको हमने गैस पे ही चढ़ा दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे महीन बारीक कटे हुए कैरेट। आप सीजनली पीस भी यूज कर सकते हो, बट मुझे मेरे यहाँ कोई लाइक नहीं करता तो इसीलिए मैं नहीं इसको डालूंगी, स्किप कर रही हूँ। और डालूंगी कॉलीफ्लावर, सांभर मसाला, इमली का पल्प। इसको अच्छे से बॉयल होने दें, तब तक हम लोग इसमें तड़का पैन बगल वाले गैस पे रख देते हैं। चलिए सांभर में मेरा उबाल आ रहा है, अच्छे से ये बन चुका है। देखिए अब हम इसको तड़का लगाएंगे। ये हमारा ऑयल भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लोग राई दाना और जीरा में ऐड करेंगे। देखिए हमारा फूट चुका अच्छे से। अब इसमें हम लोग कड़ी मिर्च भी डाल देंगे, फ्लेम ऑफ करके सांभर में तड़का लगाएंगे और ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे फ्रेश कोरिएंडर। लीजिए सांभर हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। अब आप इसको सर्व कीजिए।
अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप भी ट्राई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।